बिल्कुल अजय माकन की अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात समाप्त हुई है। तकरीबन आधे घंटे गहलोत और माकन में मुलाकात चली, फिर वहाँ से सीधे अजय माकन बगल में ही जो सरकारी आवास है स्पीकर सीपी जोशी का, वहाँ पर पहुंचे और अभी उनकी स्पीकर सीपी जोशी से ये अहम मुलाकात जारी है। तो कह सकते हैं कि आते ही अजय माकन काफी सक्रिय दिख रहे हैं और काफी सक्रियता वो दिखा रही है। स्वागत के बाद उन्होंने मुलाकात का दौर आज शुरू कर दिया है और इसके बाद वो खासा कोटी जाएंगे और रात को 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डिनर में हिस्सा लेंगे और कल से पराग वो मैराथन बैठक लेना शुरू करेंगे। कल 6 घंटे लगातार नॉन स्टॉप पीसीसी में वो बैठक लेंगे, फीडबैक जुटाएंगे राजस्थान के प्रमुख और नामचीन कांग्रेस नेताओं से, और परसों जयपुर संभाग के 4 जिलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 2 सितम्बर को वो अजमेर जाएंगे और वहाँ 4 जिले के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो स्वागत के बाद अब मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। रात को डिनर डिप्लोमेसी होगी और कल बैठकों का दौर शुरू होगा। तो ये अच्छी बात है कि अनुभवी अजय माकन आते ही सक्रिय दिखा रहे हैं, क्योंकि जो हालात यहाँ पर बने थे 1 माह आपने वो एपिसोड देखा होगा, तो काफी उनके सामने चुनौतियां है। तो बहुत जल्द कह सकते हैं कि आला कमान ने उनको काम ये दिया है कि बहुत जल्दी से जो है आप परिस्थितियां निपटाएं, जो स्थितियां बनी थी वो दोबारा नहीं बने, इस तरह का काम करें। और उसी प्लेटफॉर्म पर चलते हुए अजय माकन काफी एक्टिव यहाँ पर हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है राजनीति में मुलाकातों के कई मायने होते हैं। वरिष्ठ नेता है सीपी जोशी, हालांकि अभी वो संवैधानिक पोस्ट पर है, लेकिन ये मुलाकात कहती है कि सबको साथ लेकर चलेंगे अजय माकन। यही संदेश और मैसेज देने की कोशिश वो कर रहे हैं कि आला कमान ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसे इसी तरह निभाएंगे। तो जाहिर सी बात है काफी अच्छी मुलाकात ये रहेगी। और उसके बाद आज सचिन पायलट हालांकि जयपुर नहीं बताए जा रहे, तो ऐसे में कल या परसों अजय माकन उनसे भी मुलाकात करेंगे।